नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नवीन जिंदल को भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस ने माथा पकड़ लिया है और मतदान से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि भाजपा के पास विकसित भारत और विकसित हरियाणा का लक्ष्य है। नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं से नवीन जिंदल को रिकॉर्ड मतों से जिताने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के साथ कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे थे। नवीन जिंदल ने भी भाजपा का कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। कुरुक्षेत्र से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे सभी के आदरणीय चहेते अपने कुरुक्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी लग गए उसके असर तो इन सब बातों से जो है मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि मैं जो है खाली मैं उस पार्टी के साथ जुड़ करके उस संस्था के साथ जुड़ करके मैं काम करना चाहता हूँ जो सेम जिसके कि वही विचार है और हम मिलजुल करके हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करें। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये मुझे मौका मिला और मुझे ये सेवा का मौका जो पार्टी ने दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप सब की सेवा करने का मुझे 5 साल अवसर मिला है और जितना मेरे से बन पड़ा है उतनी सेवा मैंने आप लोगों की है और मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं। प्रणाम इसलिए करता हूं जो आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का जो प्यार मिला है वो काबिले तारीफ है, उसको मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता है। वो स्नेह और प्यार आप लोगों का मिला है और मैं आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, आप लोगों के प्यार से ये कुरुक्षेत्र की अब तक की बड़ी ऐतिहासिक जीत रही है। ये आप लोगों का ही स्नेह और प्यार था और मैंने कभी भी ये नहीं समझा। मैंने जब भी कोई भाई कार्यकर्ता मेरे पास आया मैंने उसको तभी यही कहा कि ये सांसद वाली मोहर तो तेरी जेब के अंदर है, मेरे पास नहीं है, इसको जब मर्जी आप यूज कर, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव तो नहीं है ना, कोई बदलाव नहीं है। आप लोगों ने, मैं ये अपील करना चाहूंगा आप लोगों से कि जितने वोट आप लोगों ने मेरे को दिए थे उस वोट के अंदर 3 गुना ज्यादा वोट बढ़ा करके देश के अंदर 543 लोकसभा के अंदर से नंबर 1 के ऊपर अगर कोई जीत हो तो नवीन जी की जीत, इसको सुनिश्चित करना है, इसके लिए काम करना है। ऐसे हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके नवीन जी को हम सब के बीच में भेजा है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।